मामला पीलीभीत पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां खुलेआम दबंग अपनी दबंगई दिखा रहे हैं। बाइक सवार दबंगों ने 2 लाख रुपए ले जा रहे पिता और पुत्र को रास्ते में पिता को गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया। पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव गुलड़ाहवा नोगमा मोड़ के पास मुझा तिराही रोड पर फिनो बैंक चालक धर्मेंद्र यादव से लगभग 2,50,000 रुपए की लूट के बाद धर्मेंद्र के पिता को गोली मारी। बैंक चालक धर्मेंद्र निवासी ग्राम पचपेड़ा महराजपुर अपने पिता के साथ बाइक से बीसी बैंक का पेमेंट लेकर जा रहा था, तभी बाइक पर सवार आए बदमाशों ने पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के मुझा रोड पर गांव गुलड़ाहा नोगमा मोड़ के पास धर्मेंद्र की बाइक को रुकवा कर पैसे छीनते हुए उसी समय लुटेरों ने गोली चलाते हुए धर्मेंद्र के पिता वृद्ध राम यादव के गोली मार दी और उनसे 2.5 लाख रुपए लगभग लूट कर बदमाश लुटेरे वहां से फरार हो गए। लूट की घटना में घायल हुए वृद्ध को आनंद फानन में पूरनपुर CHC में भर्ती कराया गया। वहीं उपचार के दौरान वृद्ध की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पीलीभीत पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार मौके पर पहुंचे और पुलिस बल के साथ जांच में जुट गए। तीन आदमी पीछे से जो है पाछी जा रही थी, उसके बाद से पीछे से धक्का दिए, उसके बाद फिर लड़के जहाँ हाथ गर्दन में से ब्रेक निकाल लिए तो हमने ब्रेक पकड़ लिया तो हमारी उनकी झपका जो टूटने लगी, उसके बाद से हमें जो है मारे गोली हाथ में मारे गोली लगी तो हमने छोड़ दिया। कितने रुपए थे बाबा? 2,50,000। कौन से रोड की घटना है? पुलिस के द्वारा एक 50 साल के वृद्ध को, जिसका नाम बुद्धा है, पचकड़ा गांव का रहने वाला है, उसको मेडिकल के लिए लाया गया है, जिसके बाद उसकी मेडिकल परीक्षण कर दिया गया है और उसको परीक्षण किया गया तो गोली उस टाइम दिखी नहीं कोई भी, और जो भी इंजुरी थी वो नोट कर ली गई है, उसके लिए हायर सेंटर मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया, वहाँ पर एक्सरे वगैरह कंफर्म।